हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंशु राव, बोल के मेरे चैनल पर। तो गाइस देख सकते हो भाई, सुबह सुबह निकल चुका हूँ और टाइम हो रहा है भाई 9:07 सुबह का। और भाई आज जा रहा हूँ फाइनली अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, जो कि भाई बहुत ही दिनों से ओवर ड्यू थी। और 2500 पे ऑलमोस्ट बाइक की सर्विस कराने जाती है, 2500-3000 किलोमीटर पे। बट मेरी बाइक इस टाइम आप मानोगे नहीं, चल चुकी है 4500 से ज़्यादा ही किलोमीटर, मतलब 4500-5000 के बीच में होगी। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा बोझ पड़ गया इस बार। बट यस, R15 फेस में मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई ये है ना, भाई हमेशा साथ देती है अपना, मतलब इतनी समझ लो, इतने रॉयल इसका समझ लो सूखा ही होगा इस टाइम, थोड़ा बहुत होगा जो भी होगा, उसकी वजह से ये इतना चल रही है। और मैंने लगभग 15200 पे शायद लास्ट सर्विस कराई है, और अभी बाइक देख सकते हो कितना चल चुकी है। देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, मुड़ जाऊँगा इसमें, ये देखो 19655, मतलब 19600 ऑलमोस्ट पहले 5000 किलोमीटर हो गई है। और भाई क्या बताएं, और बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी ही ऐसे आवाज़ आ रही है, अब वो मुझे नहीं पता किस चीज़ की आ रही है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही, मतलब बाइक जब स्टार्ट कर रहा हूँ तभी आ रही है, अब बाइक चल रही है तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब बंद हो गई आवाज़। तो ये एक बार मैं बता दूंगा, बाकी कोई सीरियस इशू है नहीं, बाकी बाइक की आज सर्विस होगी नॉर्मली, और फिर बाइक एकदम कराकर फिर से, और गंदी भी बहुत हो रही, गंदी मैंने धुलवाई इसलिए नहीं थी भाई, क्योंकि जब सर्विस एक दो दिन में कराना ही है तो धुलवा करेंगे क्या यार। तो आज जाएगी पहले इसको नहलाएंगे वो लोग, फिर इसको चमकाएंगे भाई, मतलब सर्विस होगी अंदर से, फिलहाल से बाहर से चमकाएंगे, मतलब पॉलिश होगी। तो यही सीन है, मज़ा आ जाएगी, मतलब कितने दिन बाद सर्विस होती गाड़ी की, सर्विस के बाद गाड़ी ना अलग ही चलती भाई, एकदम रिफाइंड हो जाती है, अभी भी रिफाइंड है भाई, मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन है इससे, ऐसा कुछ नहीं भाई, आवाज भाई तैयार इतना तो है कि ये कितना भी कुछ भी कर लो कि हर पंचर कर दो, लेकिन ये अपने औकात में रहती है भाई, ये चीज़ है। और इसीलिए मुझे R15 से इतना प्यार है, स्पेशली अपनी वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई और सबकी बेकार है, ये नहीं, लेकिन हर बाइकर को ये होता है कि उसको उसकी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, तो यही सीन है। बाकी ये है भाई अपने वाहन के क्रॉसिंग। तो आज भाई मैं इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जा रहा हूँ लालबाग वाले शोरूम, ताकि पहला नंबर अपना लग जाए, और मुझे लग रहा है 9:09 हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है भाई कोई ना कोई तो और आ गया होगा, और अगर आ भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वहाँ पे 2-3 बाइकें एक बार में लग जाती है सर्विस सेंटर में, तो पहले राउंड में इसका मतलब अपना काम हो जाना चाहिए, तो यही देखते हैं। और मुझे भाई 2 बजे तक तो हो ही जाएगी बाइक की सर्विस, उस पर अवेलेबली, क्योंकि भाई 11 बजे तक तो वो लोग स्टार्ट ही करते हैं। हाँ आराम से, अभी आएंगे, पूरा स्टाफ आएगा उसके बाद भाई, भैया निकलो जल्दी। तो भाई मैं ये कह रहा था पूरा स्टाफ आता है, फिर धीमे धीमे अंदर की बाइकें जो रहती है सब बाहर निकालते हैं, तो उसमें हो जाता है टाइम, तो इसी वजह से मतलब यार लग नहीं रहा है कि मतलब इसकी सर्विस जो है मतलब ओवर ड्यू हो गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा, बिकॉज इतनी रिफाइंड इतनी मतलब ठीक रही है ना, अभी भी वही टॉप एंड वही पिकअप गाड़ी ले रही है, तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाई इसकी सर्विस ओवर ड्यू है। और कोई नहीं आया, इसीलिए अपने बाइक से प्यार है, इसीलिए इसको इतना केयर करके रखते हैं भाई, समझ रहे हो। अब आप देखते हैं ये है कि भाई दिल कितने का बैठता है, बिकॉज ये अपनी बाइक की 6th सर्विस होने आ रही है, 5 में करा चुका हूँ, और ये 6th सर्विस हो रही है, होगी मतलब, अभी हो तो नहीं रही है, होगी मतलब, तो यही सीन है, करवाते हैं जितने की भी हो, सारा कर देगा तो है ही, अपने को करवानी है ही है, चाहे जितने की भी हो, तो ये तो है ही, अब हाथी पाला है तो भाई इसके खर्चे भी तो उठाने ही पड़ेंगे, तो यही सीन है। पहले सोचते थे भाई ये भी क्या ही कुछ भी लेकर आना होता होगा, पता ही नहीं था यार कि ये सब भी होता है, मतलब जब छोटे थे, ऐसा नहीं कि अभी जब मैंने बाइक खरीदी तब की बात कर रहा हूँ, तब तो मुझे सब कुछ पता था, लेकिन जब छोटे थे तो लगता था कि अरे बड़े लोग देखो सब लोग
मतलब मामा लोग मेरे कहते हैं या सभी लोग हैं सोचते थे कि यार देखो बाइक लिए घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। अब उसकी लाइफ में जितना स्ट्रगल्स है और जितना हर चीज मतलब देख के करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है यार। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है सभी की लाइफ में भाई। हर इंसान अपने लिए परेशान है, वो बात अलग है। कुछ लोग जो है जलन में ही मरे जा रहे हैं, आपस में ही जले मरे जा रहे हैं, वो बात अलग है। और कुछ है कि वो टांगे खींचते रह जाते हैं कुछ लोगों की, मतलब जैसे कोई सामने वाला अगर अच्छा कर रहा है तो भाई उसको इतना डीमोटिवेट कर देंगे कि अगला जो है भाई शांत पड़ जाएगा। ऐसा ऐसा फील हो रहा है भाई, मतलब अपने साथ में मैं एक आपको जनरेट बात बता रहा हूँ, होता है ऐसा। ये देखो चूड़ा निकाल के लेके जा रहे, सही है सही है। बाइक में पेट्रोल अभी बहुत अपने 3 पॉइंट है, तो पेट्रोल के लिए बाप रे बाप, ऐसे नॉर्मल रोड पे एकदम से भाई घटने का इतना गहरा। और ये आगे हनुमान सेतु मंदिर अपना, जय हनुमान जी जय नीलकरोली बाबा। भाई इसी मंदिर में नीलकरोली बाबा जी भी स्थापित है अपने, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ये मंदिर जो है नीलकरोली बाबा जी ने इस्टेब्लिश करा था यहाँ पर। और इधर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो हनुमान धाम मंदिर भी है, ये देखो गोल्डन कलर का आपको अगर कैमरा में दिख रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हनुमान सेतु मंदिर है, राइट हैंड साइड हनुमान धाम मंदिर, दोनों ही मंदिर लखनऊ के सबसे फेमस मंदिर है भाई, एक ही जगह पे। और राइट अगर मुड़ जाएंगे तो फिर वहाँ से भाई मतलब ईश्वर मंदिर भी है, वो भी बहुत फेमस है। आज भाई मोटो ब्लॉगिंग करके मजा आ रहा है मेरे को, और 9:14 हो चुके हैं यहीं पे। अच्छा मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 बाइकें आके वहाँ खड़ी हो गई होगी, हो जाने दो यार अपने को, तो करवाने से मतलब है। 2 बजे पहले मेरे को बाइक चाहिए, मतलब चाहिए, इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं, पहुंच जाऊंगा भाई। इतना तो वहाँ सिस्टम है कि यार 2 बजे पहले करवा के रहूंगा, क्योंकि वहाँ हमेशा सर्विस वहीं पर आता हूँ, तो इतना सिस्टम है भाई। तो गाइस पहुंच गए हैं अपने सर्विस सेंटर वाली गली में, और मैं इधर क्या देख रहा हूँ भाई, एक भी बाइक नहीं आई है अभी तक। वाह 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 वाह, ये सही है यार, एक भी बाइक नहीं आई आज, सही है। पहली लगाओ यहाँ पे, बात खत्म। अब तो पहली गाड़ी अपनी चोगी यार, देख लो भाई। और ये अंदर की स्टिकरिंग है जो, ये भाई इसको निकलवाना है मुझे, ये फेयरिंग खोल के निकलेगा भाई, बिकॉज वो अंदर तक है और उसमें हीट करके निकालना पड़ेगा, तो ये खुलवा के निकलवा देंगे इसको। बाकी पहली बाइक अपनी हो गई है यहाँ पे। टाइम कितना हो रहा है, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, 9:17 मतलब 9:17। कोई नहीं, अभी आते होंगे शुरू वाले 10 बजे तक आते हैं, 9:30 बजे 1-2 लोग आ जाते हैं, बाकी सब आते हैं 10-10:30 तक। काम स्टार्ट होता है 11:30-11:30 तक, तो दिखाते धीमे धीमे आपको। और 6th सर्विस है बाइक की, पिछली बार जो मैंने सर्विस कराई थी वो आपको भी पता होगा, नहीं पता नहीं होगा शायद, बिकॉज वाला मैंने ब्लॉग बनाया था बट मैंने डाला नहीं था। तो भाई वो सर्विस मेरी हुई थी 6100 मतलब 6100 की सर्विस हुई थी वो, तो समझ लो भाई 5th सर्विस थी। 4 सर्विस मतलब मिलती हैं फ्री, फ्री के नाम पे क्या रहता है, फ्री के नाम पे रहता ही है, लेबर कॉस्ट नहीं लगती, बाकी सब आपको पे करना रहता है जो भी रहता है। और बाकी जो 5th सर्विस थी उसमें इन्होंने भाई इतना गंदा टोपा मारा है, 6100 का बिल बैठा दिया था भाई। और अब देखो 6th सर्विस है, आप कितने का बिल बैठाते हैं गॉड नोज, चलो देखते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो अपनी बाइक खुल चुकी है, और भाई इंजन ऑयल निकल चुका है बाहर, और भाई आज क्लच प्लेटें चेक होंगी भाई, पहली बार R15 की अपनी वैम्पायर की, तो देखना ये है कि भाई ख़राब हुई है या फिर वॉश हो के साफ़ हो जाएगी, तो देखते हैं भाई क्या होता है, सही हो भाई। बाकी अगर ख़राब हुई तो चेंज करनी पड़ेगी, नई लगेंगी, 1600 रुपये की है भाई इसकी क्लच प्लेटें, तो देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी धुल गई एकदम, चमक गई फिर से, तो यही सीन है, इससे एक नंबर। बाकी और भी बाइकें यहाँ पर लगी हुई हैं।
गाइस R1 का इंजन देख लो यार, पहली बार खुल चुका है ये देखो। और अभी पता नहीं चला भाई क्लच प्लेटें गई है कि नहीं गई है, अभी आपको बताता हूँ गई कि नहीं गई है और फिर पता चलेगा। बाकी होप करते हैं ना गई हो भाई। तो गाइस ये देखो निकाला ही बाहर, ये देखो पूरा अंदर से साफ हो जाएगी, सही है ना भाई। चलो गाइस अपनी क्लच प्लेटें बच गई हैं, ख़राब नहीं हुई हैं, तो साफ होके फिर से वही लग जाएंगी। बाकी हैं चली गई, क्या बात कर रहे भाई। सो गाइस एकदम मतलब उल्टा हो चुका है, मैंने सोचा था कि 1500 या 2000 तक की सर्विस हो जाएगी, बट यहाँ पे बिल बैठा बहुत ही मोटा, क्योंकि भाई अपनी क्लच प्लेटें जा चुकी हैं और भाई जो क्लच प्लेटें जहाँ लगती हैं उसको हाउसिंग बोलते हैं शायद, जैसे कि उनने मुझे बताया है मैकेनिक ने, तो वो भी भाई रिपेयर होगा, तो लगभग भाई खर्चा बैठ गया 4400 रुपये, मतलब 4400, मतलब इतना कायदे का झटका बैठा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट बाइक की बात इसलिए कराना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो कर दो यार, इसमें पूछने वाली कोई बात है नहीं कि करें ना करें, हमने कहा करो, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी पिछली सर्विस हुई है 6100 की और ये वाली लगभग 4500 रुपये की, तो मतलब समझ लो ना आप, सर्विस इसकी 5000 तक, हर सर्विस 5000 तक हो रही है भाई, क्या होगा, हाथी पाला है तो खर्चे भी उठाना ही पड़ेंगे भाई। सो गाइस बाइक की सर्विस अपनी हो चुकी है और ये आ चुका है भाई बिल, और इसमें भाई देख सकते हो कितना बिल बैठा है अपना। अभी मैं इसमें दो पेज आए, इस बार दो सेकंड पेज दिखा दूंगा कितना है, बाकी आप अगर पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो कितने का क्या हुआ है। क्लच प्लेटें भी चेंज हुई हैं और हाउसिंग वगैरह जो होता है सब कुछ चेंज हुआ है। ये देखो 1561 रुपये यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट लगी है, बाकी जो सामान जो लगा है बाइक में 2014 रुपये का, ठीक है। और बाकी भाई इसको पेज टर्न कर देना, पेज टर्न हो गया और यहाँ पे है टोटल बिल, टोटल बिल ये है भाई 3575 रुपये, तो समझ लो ना इतना भाई आया है। और सोचो कितना, 19000 चलिए, 19000 मतलब R15 की क्लच प्लेटें चेंज होना, मतलब हाँ भाई वही तो बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार, समझ चेंज होने का मतलब कुछ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे चेंज करा लो, तो भाई ने चेंज करा ली, वरना भाई हम तो कहते हैं यहाँ इतना बढ़िया इंजन देता है, क्लच प्लेट इतनी जल्दी जानी नहीं चाहिए, बट गई नहीं थी, अभी गाड़ी भाग रही थी पूरा 150 आई थी, लेकिन उन्होंने कहा चेंज करा लो, वही चीज़ है कराना पड़ा, वरना भाई हालांकि भाई मैं तो सही चलाता हूँ बाइक, लेकिन जैसे दो चार दोस्त हैं उन लोग को दे देते हैं बाइक, अब उनकी राइडिंग हम लोग को नहीं पता है क्यों। लेकिन अगली बार तो भाई सर्विस देखा जाए 7-8000 रुपये की बैठ गई है भाई, अभी तो पता है, टाइम हो रहा है गाइस 2:04, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते भाई थोड़ा खा पी लेंगे बाहर और फिर निकल जाएंगे भाई घर। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं।